Hey guys, good morning and welcome back to another vlog. और भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 3:30 बजे. सब लोग देखो जग गए अभी अभी. हम सब लोग रहा देख रहे हैं हमारे ड्राइवर के आने की, हमारी गाड़ी के ड्राइवर की. तो हमारे जो ड्राइवर है उन्होंने लाइव लोकेशन शेयर किया, वो इधर पास में है. तो अभी हमें फटक से रेडी होना होगा, थोड़ा जल्दी निकलना है 4:30-5 बजे के आसपास. ठीक है, तो मेन टाइम लगता है लेडीज़ लोगों को तैयार होने में. तो इनको इनको पहले उठा दिया हमने. तो भाई गाड़ी भी आ चुकी है, तो चलो भाई निश्चिंत हो चुके हैं हम लोग. गाड़ी का ही सबसे बड़ा किस्सा था, गाड़ी तो आ गई फाइनली. मम्मी बोल रही 11 बजे तक उठता नहीं, आज इतने जल्दी कैसे उठ गया. तो अभी गाड़ी भी आ चुकी है हमारे गाँव में, हालांकि हमारे रास्ते से अंदर नहीं आ सकती. तो अभी हमें फटाक से रेडी होना होगा और वहाँ पे जाना. पायल भी रेडी हो चुकी है उठ के. पायल कैसा लग रहा है, आर यू एक्साइटेड? ये देखो भाई मम्मी की तरफ से है ना, पायल को खर्ची मिल रही है पैसे खर्च करने के लिए. उधर कितने रुपए मिले पायल? ओ माय गॉड, दिस इज 10% ऑफ आवर टोटल कॉस्ट. हाँ, तीनों को भी दिया है. तो भाई सब लोग रेडी हो चुके हैं, वैभव भी रेडी हो चुका है, सुनील रेडी हो चुका है, हेमंत, ऋतुजा, तृप्ति. चलो भाई सब लोग आ चुके हैं, प्रशांत भी आ चुका है. चलो बैग्स वैग रख देते सब. तुम लोगों ने आशीर्वाद लिए या सिर्फ पैसे ही लिए? तो चलो भाई अब निकलते हैं सीधा गाड़ी के पास. गाड़ी यहाँ पे रास्ते पे खड़ी है क्योंकि वो अंदर नहीं आ सकती, अंदर आने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं. तो मम्मी को मिल के आते हैं फिर से. मम्मू बाय बाय. हाँ ये देखो भाई, ये है हमारी गाड़ी जिसमें हम लोग जाने वाले हैं. तो भाई सब लोग आ चुके हैं गाड़ी में, सब लोग बैठ चुके हैं अपने सीट्स पे, कुछ सीट बाकी है, सब लोग आते ही होंगे. अभी हमारी गाड़ी भी यहाँ पे रेडी है, तो चलो सब लोग निकल. अब नितिन मुझे मराठी ब्लॉग शूट करने में हेल्प कर रहे हैं. तो चला गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति चला. चलो भाई हम लोग मंदिर आ चुके हैं, दर्शन वर्शन करके आते हैं, भगवान के आशीर्वाद लेते हैं, हमारी यात्रा शुभ हो. और संतोष भी ऐड हो चुका है. संतोष अकेला आया है क्या? हमारे जीजा जी अकेले थे शादीशुदा होने के बाद भी. जय हनुमान. हे भगवान हमारी यात्रा शुभ मंगल हो. हनुमान भगवान के दर्शन कर लिए, अब निकलते हैं सीधा हमारे लोकेशन. अब मैं बताऊंगा आपको डिटेल्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या होने वाला है. लेडीज लोग कितने हैं देखो हमारे गाड़ी में, ये 4-5 लेडीज है. हाँ हेमंत को पैसे दे रहे हो क्या? कितने रुपए? 50 रुपए. मंदिर तुम उतर ले माल देव रानी. चलो नितिन की सीट चली गई है भाई. नितिन नितिन की सीट चली गई है. तो भाई सबसे पहले हम लोग आए हैं हमारे, पहले तो हम हमारे गांव के हनुमान मंदिर में गए, फिर हम आए शनिदेव मंदिर में, हमारे गांव के पास ही है. तो दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं अभी हम लोग. तो भाई हमारे यहाँ से तो दर्शन हो चुके हैं, अभी हम लोग निकलने वाले हैं उज्जैन के लिए. तो एक्चुअली हमारी ये जो रोड ट्रिप होने वाली है, ये उज्जैन, ओमकारेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, ये 3 ज्योतिर्लिंग हमें करने हैं. तो इसके लिए हम सब लोग जा रहे हैं और यही हमारी ट्रिप का ये था, डिस्कशन चल रहा था. मतलब हमारे ट्रिप का डिस्कशन चल रहा था, हमें अयोध्या जाना था, फिर हम जाने वाले थे तिरुपति बालाजी, फिर हमें हमारा फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम उज्जैन ही जाते हैं क्योंकि
हमें दूसरा और कोई ऑप्शन मिला ही नहीं, तो इसलिए हम सब लोग अभी रोड ट्रिप पे उज्जैन को जाने वाले हैं। तो आने वाले कुछ ब्लॉग्स आपको सिर्फ उज्जैन के बारे में और यहाँ पे जो भी ज्योतिर्लिंग हम विजिट करेंगे उसके बारे में होंगे। देखो भाई जोड़िया कैसे बैठी हुई है, नितिन को उसके वाइफ के साथ बैठना है पर मेरे साथ बैठना पड़ रहा है। हाथ दिखा उसका, हाथ दिखा, हाथ दिखा, उसको मेरे साथ बैठना पड़ रहा है अभी। हेमंत सर सीट को पकड़ के बैठे खाली सीट है ये देखो हेमंत सर बोल रहे हैं कि भाई मैं सीट को पकड़ के बैठूंगा। बबन गाने बंद कर रहे, थोड़ी देर में हम नाश्ता करने के लिए रुकेंगे। आज का हमारा डीजे बबन है। हाँ डीजे बबन, डीजे बब्या, डीजे बब्या। वही वो क्या हाथ हमने दे दिया है गाने ऑपरेट करने के लिए। बबलू के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट किया है, बबलू के लिए, बबलू के लिए फेवरेट सॉन्ग लड़िंगो। तेरी फोटो बबलू देखो कैसे शर्मा रहा है, बबलू देखो कैसे शर्मा रहा है। भाई पिछले ना 50 किलोमीटर से हम ढूंढ रहे थे कुछ जगह जहाँ पे हम खाना भी ना खा सकते, फाइनली एक जगह मिली हमें। सब लोगों को भूख लग गई थी। चलो मास्टर मिस्र आएगा। तो भाई फाइनली हमारा नाश्ता आ चुका है, तो हमने लिया है वड़ा रस्सा सब लोगों ने। नाश्ता वास्ता डन, सब लोगों का नाश्ता हो चुका है। तो दोस्तों हमारा है ना कल तक बिल्कुल फिक्स नहीं था हमें जाना है, क्योंकि हमारी गाड़ी ही नहीं मिल रही थी भाई हमें। हमने पहले ना एक टेम्पो ट्रैवलर बुक किया था। टेम्पो ट्रैवलर कैसा होता है मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? वो सामने से गाड़ी आ रही है वैसा होता है। तो ये देखो सामने से जो गाड़ी आ रही है ना, तो ऐसा हमने एक टेम्पो ट्रैवलर बुक किया था 20 सीटर, ठीक है? और उसका है ना कल तक कंफर्म था, मतलब वो टेम्पो ट्रैवलर आने वाला है। फिर हमने जो बंदे से बुक करवाया था ना उसको कॉल किया, तो वो भाई हमने उसको पैसे पहले ही दे के रखे थे, उसने बुक ही नहीं करवाया आगे जाके। और भाई जो हमें लास्ट मोमेंट पे इतना टेंशन आया ना, क्योंकि नितिन कोल्हापुर से आ गया, सब लोग आ गए और ऊपर से हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, तो फिर अर्जेंटली हमें हमने क्या किया, ये गाड़ी बुक करवा ली पुणे से है, तो अर्बेनिया करके गाड़ी है, लग्जरियस कार है वैसे, वो टेम्पो ट्रैवलर से काफ़ी अच्छी है और अलग भी है। तो फिर हमने थोड़े पैसे ज़्यादा चले गए हमारे एन मोमेंट पे, पर हमें गाड़ी अच्छी मिल गई, एसी गाड़ी मस्त। तो हमने वही सोचा, कंफर्ट का ज़्यादा सोचा, हमने सोचा 2 रुपये ज़्यादा जाएंगे तो चलेगा, मतलब ये पंगा हो गया था हमारा। इसलिए हमें कल रात तक टेंशन थी, मतलब सुबह हम 4 बजे निकले और हमारी गाड़ी कल रात को 8 बजे बुक हुई है, पर कोई ना, फाइनली अंत भला तो सब भला। प्रीमियम सी लगती है एकदम, और इसके कांच वाच सब बड़े बड़े हैं, तो व्यू भी अच्छा आता है ट्रैवलिंग से। मास्टर ही हो मास्टर, काय विद्यार्थ्यांचं बोलवायचं मास्टर, ज्योग्राफीचा नाही पापी आगे गेली मालेगाव। तो दोस्तों कुछ टाइम पास के लिए ना हम लोग अभी खेलने वाले एक गेम डम शरास, ठीक है? जिसमें हम एक मूवी का नाम बताएंगे, सामने वाले टीम को पता नहीं कि कौन सी मूवी है, ठीक है? चलो ये यहाँ से दूसरी टीम है, मतलब साइली, पायल, सुनील, वैभव, प्रशांत, दाजी और हेमंत, ये एक टीम है, और हमारी टीम आगे नितिन, अभी वो पता चलेगा, वो तो टाइम बताएगा, वो टाइम बताएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अभी पायल एक्टिंग करके बताने वाली कौन सा पिक्चर का नाम है, हमने बता दिया है उसको, मूवी का नाम है ऐतराज़, ठीक है? एक वर्ड, एक शब्द है, एक भक्त लेटर है, हीरो का नाम है, टाइम का नाम है, टाइम का नाम है, तीसरा कुछ नहीं, तो है तीसरा अतीत। हमारे हमारे प्लेयर को नाम बता रहे हैं अभी एक मूवी का, देखते हैं श्रुति एक्टिंग कर पाती या नहीं। मराठी गोली, ग गोली, गो
गो गोवा गॉन गो गोवा गोलमाल गोलमाल टू गोलमाल रिटर्न्स गोलमाल रिटर्न्स अब नितिन की बारी एक्टिंग करने की। कौन सा पिक्चर बताते इसको पता नहीं। अभी वैभव की टीम जीत रही, इन्होंने तीन में से तीन करेक्ट नहीं पहचाने, चार में से चार, हमने चार में से दो ही करेक्ट पहचाने। हम नितिन करो एक्टिंग करो कि मराठी हिंदी मराठी हिंदी हिंदी एक्शन करो ना लायक मटन वैभव च तरबूज वाह भाई नितिन क्या एक्टिंग की है। तो भाई हमारा ये डम शरास खेलते खेलते 300 किलोमीटर हम चले आए हैं, फिर भी हमारा डम शरास चल ही रहा है। अभी अभी सीन क्या है, वैभव की टीम हमसे आगे है और हम 1-0 से पीछे है, मतलब हमारा हमारे ऊपर एक बिंदी चढ़ गई है। तो अभी देखते हैं हम जीतते हैं। अगर अगर हमने उनको ऐसा पिक्चर का नाम दे दिया वो जीते नहीं तो हम हमारा और उनका इक्वल हो जाएगा। सुनील और बीच बीच में ये ऐसे चटपटे चीजें मिलती रहती खाने के लिए। बॉलीवूड के सगले हीरो है सगले भाई झगड़ा हो गया है, झगड़ा हो गया है यहाँ पे। नहीं नहीं इक्वल हो गए है भाई, हम लोग जीतने जीतने के लायक हो गए। जीत गए भाई, जीत गए भाई। इनको पिक्चर का नाम भी नहीं मालूम और देते हैं। जीत ले गए, तुम लोगों ने गलत पिक्चर का नाम बताया था, इसी वजह से तुम जीत। हाँ जीत गए हम लोग, हमने चीटिंग नहीं किया था भाई, हम भाई इतनी ईमानदारी से किया। सिंपल मूवी का नाम बता दे, टैंगो चार्ली से बोलते हैं दिखाओ क्या इस मोबाइल की हिस्ट्री चेक करो, सब नाम पढ़ के बता रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, एडिट करने नहीं आती दिखने का काम, लोग हिस्ट्री एडिट कर लेते हो। ये लोग ज्यादा शातिर है, इनको हिस्ट्री डिलीट करना आता है। हमारे यहां मतलब नहीं आता है, आपसे मोबाइल जब्त है तुमसे सारे। अरे बाबा दिलक चला सुनील। तो भाई अभी हम लोग मध्य प्रदेश में है, इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। हमें एक होटल मिल चुका है जहाँ पे हम खाना खा सकते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा खाना मिलता है। मैं तो पहली बार, मतलब दूसरी बार आउट ऑफ स्टेट आया हूँ, नहीं तीसरी बार, पहली बार गोवा गया था, फिर हैदराबाद, फिर अभी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे सब लेडीज़ लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे है ना फैमिली सेक्शन अलग है, तो यहाँ पे खाना खा लेते हैं हम लोग। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इंदौर, और इंदौर में हम क्यों आए हैं, क्योंकि हम देखने आए हैं यहाँ पे एक राजवाड़ा है फेमस, तो वो देखने के लिए आए हम। तो राजवाड़ा इंदौर आपको दिखाते हैं, ये देखो भाई हम पहुंच चुके हैं इंदौर के राजवाड़ा में। हमारी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, जल्दी चलो बारिश हो रही है हल्की हल्की, अभी बज रहे हैं 4, तो 4 बजे हम पहुँचे यहाँ पे। अब हमें 2 बजे ही पहुँचना था पर 4 बज गए। अरे कितना सुंदर है यार ये राजवाड़ा, वाओ मजा आ गया यार इसको देख के। इंदौर इज क्लीनलीस्ट सिटी इन इंडिया, मतलब सबसे क्लीन सिटी है ऐसा मैंने पढ़ा था सुना था, और भाई ये देख के भी पता चल रहा है, मतलब साफ सुथरा तो है भाई वाकई। भाई हमारे गाड़ी को पार्किंग को जगह नहीं मिल रही थी, अरे वाकई में बहुत सुंदर है यार ये राजवाड़ा, वाओ इतना सुंदर है और मेंटेन भी अच्छे से किया हुआ है सब कुछ। ये प्रशांत प्रशांत सर बोल रहे थे कि वो ऊपर वो डोम का एक है, तो ये है भाई बालकनी। ये है इंदौर का आप बोल सकते हैं मेन एरिया में से एक होगा है ना, सेंटर। मैं अभी यहाँ पे फेंक रहा हूँ अहिल्या बाई होलकर पैलेस। हाँ अहिल्या बाई होलकर पैलेस, और ये इन्होंने इसका संवर्धन किया था, जतन किया था इस राजवाड़े का। तो भाई उज्जैन का ये नजारा तो और सुंदर लग रहा है बारिश के वजह से। अहिल्या बाई जी होलकर ने बनाया है, हमारे महाराष्ट्र की रानी थी अहिल्या बाई होलकर जी।
उन्होंने बनाए थे ये मंदिर। होलकर का सबसे बड़ा योगदान क्या है पता है? उन्होंने सारे ज्योतिर्लिंगों के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है। हाँ। त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है, काशी का मंदिर है, जितने भी शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग है वो सारे मंदिरों का रिनोवेट किया था उन्होंने, जो मुगल के दरमियान डिस्ट्रॉय किया था ना उनको। भाई मस्त है यार ये, क्या नजारा है नितिन, मस्त एक नंबर बेस्ट नजारा है। 30 रुपए देख के देख के देखने का था भाई। चलो अभी हमें उज्जैन निकलना है तो यहाँ से निकलते हैं। कोई तो वीआईपी आए यहाँ पे दर्शन के लिए, मतलब राजवाड़ा देखने के लिए। अच्छा, करप्शन ब्यूरो सेक्रेटरी, पैसा ही पैसा उनके पास करप्शन का। चल लोगों के करप्शन का आता होगा। लोगों के करप्शन का पैसा इनके पास आता है, जमा करते हैं सरकारी की जो खजाने में जाता होगा। कुछ भी मत बोल भाई, ऐसा बात बोलने का रह गया, पूरा सेंटेंस पूरा करना रह गया भाई। दीदी अहिल्याबाई जी होलकर जी की जो मतलब पूरी पीढ़ियाँ है उनका यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, फैमिली ट्री। थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ लेनी चाहिए यार। भाई पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिली तो हमारा ड्राइवर गाड़ी घुमा रहा था सर्कल को राउंड 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 जब तक हम घूम रहे थे। चलो आ गई गाड़ी, चलो बैठ जाओ, बाय बाय राजवाड़ा। तो भाई इंदौर के अंदर तो हम ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले हैं, मैं आपको रास्ते को चलते चलते ही टूर दे देता हूँ इंदौर सिटी की। बहुत अच्छी सिटी, बहुत बिजी सिटी लग रही है मुझे तो ये, और घर बिल्डिंग वगैरह भी ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। भाई यहाँ पे लेडीज भी रिक्शे चलाते हैं भाई, ये तो बहुत मुझे बहुत अच्छी लगी। कमेंट में बताना जो लोग इंदौर से है ये कौन सी बिल्डिंग है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 56 भोग खाने के लिए, यहाँ पे काफी फेमस जगह है तो देखते है मिलता है क्या नहीं कुछ अच्छा चीज खाने के लिए। और अभी भी बारिश होके गई है ना तो मौसम एकदम मस्त हो रखा है, आपको दिख ही रखा होगा कैमरे में। ठीक है गाड़ी यहाँ पे ही पार्क कर दी हमने, ड्राइवर भाई तो नहीं आ सकते क्योंकि उनको गाड़ी को संभालना होगा इधर। लड़कियों का सारा ध्यान इधर शॉपिंग के दुकानों पे है, उनको खरीदारी करनी है इंदौर में। यहाँ पे रिक्शा काफ़ी अलग है भाई, रिक्शा ऐसे खुले होते हैं यहाँ पे, जो चीज़ मुझे मतलब नहीं देखी मैंने, मतलब मूवीज में देखा था और अब पहली बार देखा। और अभी हम पहुंच चुके हैं 56 दुकान के पास पहुंच चुके हैं। ये देखो भाई 56, ये देखो कितने सारे दुकान है यहाँ पे, 56 दुकान है यहाँ पे। कॉमेडी करते ली तुर्किश आइसक्रीम, तुर्किश। तो भाई अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं एक खोपरा पैटिस, ये देखो एक खोपरा पैटिस ट्राई करेंगे हम लोग, मैं तो पहली बार ट्राई करने वाला हूँ जिंदगी में। इधर लिखा हुआ है क्या कहीं पे खोपरा पैटिस, वो इधर है देखो वो वाला। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा खाना खा चुका है पर फिर भी हमें अभी ट्राई करना है, इधर आए हैं तो इसलिए थोड़ा थोड़ा। नहीं इधर पोहा जलेबी करके मिलता है, पोहा और इंदौरी पोहा साथ। हाँ वो तो है, जब तक ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं तब तक मैं आपको आगे क्या क्या चीजें वो दिखाता हूँ। यहाँ पे आई थिंक आइसक्रीम और स्वीट्स है, और क्या हो सकता है इधर, पिज्जा बर्गर के शॉप से यहाँ पे और कुछ मिल रहा है, पनीर की चीजें शायद, टिक्का विक्का मिल रहा है यहाँ पे, तो मतलब वैरायटी वैरायटी है खाने की इधर, मतलब खाऊ गल्ली स्पेशल। जैसे महाराष्ट्र में खाऊ गल्ली होता है वैसे उस टाइप का सीन लग रहा है मुझे। तो दही वड़ा एक खाऊं भाई साहब, अपन दो का मजा। कौन सा ये वाला? हाँ। ये क्या है भैया, दही वड़ा है खाएगा?
आगे तो बहुत लंबी लाइन है आई थिंक, पर इतना तो हमें टाइम भी नहीं है, तो हम दही बल्ला ट्राई कर रहे हैं अभी। तीनों में एक खाने वाले, एक दही बल्ला इतने सारे लोग टेस्ट कर रहे हैं। दही वड़े का भाई यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है एक दिन है ना छुट्टी निकाल के खाली पेट आना चाहिए, फिर जितनी मर्जी चीजें है ना वो खा के जा सकते हैं यहाँ से। पर अभी तो हमारा पेट पूरा भरा हुआ है ना, क्या क्या खाएंगे, एक डिश खाएंगे बाकी के बच जाएगा सब कुछ। देखो क्या है, आलू की टेस्ट आ रहे हैं, खोबरे के होता है नीचे खोबरा होता है उसमें। अच्छा, और यहाँ पे अच्छा डेवलप भी किया है इन लोगों ने, लोग आके बैठ सकते हैं, मतलब खा भी सकते हैं चीज़ें। मैं ढूंढ रहा हूँ और कोई आइटम ऐसा हम खा सकते हैं क्या, एक दो चीज़ें हमने ट्राई करके देखी पर अभी और चीज़ें खा के देखते हैं हम लोग एक ही बार में। तो ये एंड में पहुँच गए हमें, कुछ नहीं मिला मुझे। भाई एक एक चीज़ है ना सब लोग मिल के ट्राई कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने रबड़ी खाई और ये अभी लस्सी खा रहे हैं। तो भाई अभी हम लोग आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए नेचुरल्स में, सिंगल सिंगल। मुझे बड़े दिनों से इच्छा हो रही थी नेचुरल्स वाली आइसक्रीम ट्राई करने की। मैं पुणे में भी देखा था मैंने उनका शॉप वगैरह, पर मैं कभी गया नहीं, तो अभी मुझे दिखा यहाँ पे तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं। चलो भाई ट्राई करके देखते हैं, टेस्ट बढ़िया है। तो दोस्तों अभी हम लोग इंदौर सिटी छोड़ रहे हैं और अभी हम लोग जाने वाले उज्जैन, तो उज्जैन में जाके हम करेंगे महाकालेश्वर जी के दर्शन। तो अभी हमने एक होटल रूम बुक किया है, सीधा वहीं पे जा रहे हैं और वहाँ से मंदिर 2-3 किलोमीटर है सर। तो भाई फाइनली हम लोग उज्जैन पहुंच चुके हैं और उज्जैन में जो हमने होटल बुक किया था, होटल तो नहीं एक घर है उसमें 4 बेडरूम है वो बुक किए थे हमने। तो अभी यहाँ पे मस्त सब सामान रख देते हैं और हम जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर क्लोज होने वाला है और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो इस रूम में हम 4 लोग ठहरने वाले हैं, नितिन, ऋतुजा, पायल और मैं, और एक रूम में वैभव और सुनील की जोड़ी ठहरने वाली है और एक रूम में संतोष और उसकी वाइफ ठहरेगी। तो भाई फटाक से हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, सब लोग इकट्ठा होके अभी पहले महाकाल मंदिर में चले जाएंगे। ये रूम हमने दे दिया है सिंगल लोगों को और ये रूम है वैभव और सुनील का। तो भाई अभी हमें उज्जैन की सड़कों के ऊपर और हम जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने के लिए। भाई काफी भीड़ है यहाँ पे। तो भाई हमने रिक्शा कर ली है, 5-5 लोग जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं 5 लोग इस रिक्शा में, बाकी के लोग इस रिक्शा में, कुछ इस रिक्शा में। चलो जय महाकाल। भाई हम पहुंच चुके हैं महाकाल कॉरिडोर के ऊपर और यहाँ से ही महाकाल के दर्शन होंगे। तो फाइनली हम उज्जैन पहुंच चुके हैं और भाई महाकाल के फाइनली दर्शन होंगे आज। जय महाकाल। तो हमारी सब गैंग आ चुकी है यहाँ पे, 14 लोग थे हम सब एक साथ महाकाल के दर्शन के लिए। और ये महाकाल कॉरिडोर है जिसको डेवलप किया है और यहाँ पे देखो कितना मस्त रोशनी वगैरह की गई है आजू बाजू से। तो भाई अभी हम लोग जाने वाले दर्शन करने के लिए और फिर महाकाल कॉरिडोर घूमेंगे हम, 11 बजे तक चलता रहता है, तो सबसे पहले हम तो दर्शन करके आते हैं अभी। हाँ महाकाल जी के दर्शन कर लो दोस्तों। जय महाकाल, जय महाकाल। तो दोस्तों महाकाल कॉरिडोर घूमने के लिए थोड़ा ही समय बचा है
तो हम पहले महाकाल कॉरिडोर घूम लेते हैं और फिर हम दर्शन के लिए जाएंगे। कितनी भीड़ है देख लो, कितना सुंदर है सब कुछ, है ना। जैसे अभी ये समुद्र मंथन का देख लो, यहाँ पे एक साथ रहो सब लोग। कॉरिडोर तो घूम के हो गया है, अभी जा रहे हैं महाकाल का दर्शन करने के लिए। 10 बजे बंद हो जाता है मंदिर, उससे पहले हमें पहुंचना है। 9:30 बज रहे अभी। ओम नमः शिवाय। फाइनली मंदिर में पहुंच गए हम लोग। बम बम बोले, बम बम बोले। दर्शन कर लो दोस्तों, महाकाल के दर्शन। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। बोले, बोले। खतरनाक वाली भीड़ हो चुकी है भाई, परेशान हो गए। इतनी इतनी खतरनाक भीड़ है ना, मेरे पीछे देख सकते हो भाई। इतनी खतरनाक सिचुएशन हो गई थी ना अंदर, इतने सारे लोग। फाइनली हम रूम पे आ गए, हमारे दर्शन वगैरह हो गए, महाकाल के खाना वाना भी हो चुका है। और ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए इसको इधर बंद करते हैं। अभी सब लोग सोने के लिए गए अपने अपने रूम्स में, बॉयज़ एक रूम में, गर्ल्स एक रूम में, ऐसा कर दिया हम लोगों ने। तो मिलता है आपको अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों, बाय बाय। कल कहीं और जाएंगे।